of our friend Alexa School, please. All in the front. Come on, guys. Please come forward. All the kids who are at the counter also, please leave your counter and come forward. देखिए मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है. ही जस्ट केम अप टू मी कि पापा कुछ अलग करना है स्कूल में. आई सेड फाइन गो अहेड. बट मुझे एक अंदर से खुशी थी, एक एहसास था, फीलिंग थी कि चलो बेटा बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है. वो एक थॉट मेरे दिमाग में आया. मैंने खैर उससे डिस्कस नहीं किया बट एक फीलिंग आई, पक्का आई. कहते हैं मतलब इनफैक्ट जब मैं भी एक बच्चा था, आज भी हूँ मैं मानता हूँ, लेकिन जब मैं था तो मेरे फादर मुझे कहा करते थे कि बेटे जब मुझे मतलब मेरे फादर को मेरे नाम से पहचाना जाएगा उस दिन उनको लगेगा उन्होंने अपना जीवन साकार कर लिया. आज इस जगह पहुँच के मुझे फर्स्ट टाइम ये फीलिंग आई है कि यस मैंने भी अपना जीवन साकार किया है. बिकॉज जो अपब्रिंगिंग हम आज बच्चों को दे सकते हैं वो हमें देनी चाहिए. कोशिश हम सभी करते हैं, कितने सफल होते हैं कितने नहीं होते हमें खुद को नहीं पता. लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये शायद जो कुछ थोड़ा बहुत मैं कर पाया हूँ जीवन में ये शायद मेरे से काफ़ी आगे निकलेगा. सर, जैसे हम देखते हैं लाइक जनरेशन चेंज हो रहा है, नई पीढ़ी आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी तबके के लोग हैं जो वुमेन को लेके बहुत हैरेसमेंट करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए द वेरी ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ इज देयर इज there are rather there's a quote, men without women are incomplete. ये आवाम को समझने की ज़रूरत है. मैं नहीं बोलता कि खाली हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम्स हैं, इट इज़ थ्रू आउट द ग्लोब. ये जो आज इनिशिएटिव भी इन बच्चों ने लिया है, वॉक अ माइल इन हर शूज, इट्स अ ग्रेट थाट. हिंदुस्तान में ये इनिशिएटिव आज पहली बार सफल हुआ. मैं नहीं बोलूँगा कि शुरुआत की, बट शुरुआत करके अच्छी तरीके से इसको अंजाम दिया गया. इट मैसेजेस टू द सोसाइटी लाउड एंड क्लियर, रेस्पेक्ट वुमेन टू द अटमोस्ट कोर. दे आर द सब्सटेंस बिहाइंड व्हाट वी आर टुडे. दे आर वे वी शुड लुक एट देम एट द ब्रॉडेस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम्स कि विदाउट देम वी आर नोवेयर. तो दिस इज़ अ वेरी ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ. ये हम सब जानते हैं, लेकिन अपने आप में उस चीज़ को गरिमा बांध लेना और गांठ बांध देना उस चीज़ की, आप एग्री करेंगी मेरी बात को? वी शुड श्योरली सी दैट वी आर टेकिंग इट इन द राइट स्पिरिट इन द पॉजिटिव मैनर. सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बीइंग एन एक्टर, आपने स्क्रीन पे काफ़ी सारे शॉट्स किए पे, ऐसे कई सारी एक्टिंग की है, किरदार निभाए हैं जहाँ पे वुमेंस को लेके लाइक उनको आप बढ़ावा दे सके, तो आज ये जो मुहिम में हिस्सा लेके आपको कितना खुशी हो रहा है? भाई बिफोर यू गेट इनटू इट, इन्होंने कहा आप एक एक्टर हैं. भाई आप पढ़ने के एक्टर हैं, हम रियल लाइफ एक्टर हैं. एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी इस तरह के शोज़ जिसमें औरतों पर अत्याचार और जैसे कि आपके सावधान इंडिया और इस तरह के शोज़ बनते हैं,
जबकि इनका एक नाट्य रूपांतर किया जाता है। सच मानिए मैंने अभी तक एक भी नहीं किया, क्योंकि मुझे ना ऐसे रोल्स करने में बहुत तकलीफ होती है, स्पेशली जब पता हो ऐसा कुछ किसी ने किया हुआ है तो ऐसा दिल बहकने लग पड़ता है, ऐसा लगता है कि ऐसा इनह्यूमन बिहेवियर कौन कर सकता है। और उसको पर्दे में जीवांत करने में कहीं ना कहीं आपका शरीर तो लगता है, आपका दिमाग तो लगता है, आपका दिल तो लगता है, आप काम में तो दिल लगाओगे, बहुत तकलीफ होती है। मैंने नहीं किया अभी तक, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये सब नहीं किया है, और इसीलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैंने आज तक मैं ये एपिसोड देख भी नहीं पाता हूँ, आई कांट सी। जब भाई लेट मी बी ऑनेस्ट, इन्होंने नहीं किया कहा है, कह रहे हैं इन्हें डर लगता है, डर लगता है, बात नहीं है, somebody has to begin with it. डर लगता है, वी हैव टू टॉक टू द पीपल, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। व्हाट आई एम सेइंग इज मुझे इस चीज़ से तकलीफ होती है कि कोई आदमी रियल में इतना अमानुष कैसे हो सकता है, इतना इनह्यूमन कैसे हो सकता है, यू नो, सो वो पोर्ट्रे करने में तकलीफ होती है और कुछ नहीं है। इट्स नॉट डर लगता है, इट इज़ लाइक यू फील बैड, यू फील हर्ट। में कोई भी पुलिस स्टेशन पे चले जाओ, आई नो दैट, सबसे भी कहानियाँ मिलेगी, आई नो, ऑफकोर्स, यही ये इसीलिए जब मैं यहाँ पर आया और जब मैंने कुछ कहानियाँ सुनी तो मुझे वापस मैं उसी जोन में था कि अरे यार, ओ गॉड, इट्स सो बैड। तो मुझे ये लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से पहल करके लोगों को ये बताऊँ कि भाई ऐसा इनह्यूमन बिहेवियर नहीं चाहिए, लेट्स बी ह्यूमन। इफ़ यू हर्ट एनी वन, सी इट्स द साइकिल ऑफ कर्मा, इट्स नॉट दैट यू विल बी, आप बच नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है, कार्मिक कनेक्शन से आप बच नहीं सकते। सो मेरा ये मानना है कि डू गुड कर्मास सो दैट गुड कर्मास कम बैक टू यू। ओके, सिद्धांत के लिए क्या कहेंगे आज? ये थोड़ी सिद्धू ने जो किया है वो कमाल है, ही इज अनिल भाई के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, और इट्स जस्ट द बिगनिंग, एंड वी तो ऑलरेडी नो इज इन द राइट हैंड, इज परवरिश इतनी अच्छी है, माँ बाप इतने अच्छे हैं, पूरा जो लाइनेज इतना अच्छा आ रहा है तो गलत जा ही नहीं सकता है। सो ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब, जोरदार तालियां उनके लिए। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं इतनी अच्छे मुहिम का हिस्सा बन सकी, एंड अनिल जी मुझे हमेशा ऐसे अच्छे अच्छे जो इनिशिएटिव वो लेते हैं उसमें बुलाते हैं, एंड आई एम मोर ग्लैड क्योंकि आज उनके बेटे ने ये इनिशिएटिव लिया है और उसमें भी उन्होंने मुझे इनवाइट किया, सो आई एम वेरी हैप्पी। और मैं कहना चाहती हूँ सबसे बाय थ्रू दिस मीडियम कि वॉयलेंस बहुत है और हमें कहीं ना कहीं मतलब अब उसको रोकना है, वी हैव टू स्टॉप इट, और ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। और आपके आसपास जो भी रहते हैं अगर कहीं पे भी वायलेंस आप देखें तो प्लीज़ टेक अ स्टैंड, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका एक स्टैंड किसी की जान बचा सकता है, किसी की लाइफ को सुधार सकता है। सो प्लीज़ जितना हो सके स्टैंड लीजिए, नॉट जस्ट फॉर फीमेल, इवन अगर आपको लगता है कि किसी मेल के संग ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ टेक अ स्टैंड। इसमें किसी लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, फिर चाहे वो किसी की भी हो, तो उसके लिए स्टैंड लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई मस्ट से सिद्धांत हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब, ही एंड हिज इंटायर टीम। मुझे लगा वॉलंटियर्स हैं जो बाहर से बुलाए होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सब उसके फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, हु आर हियर एंड हैव टेकन दिस कॉज अहेड, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम एंड विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई वुड होपफुली बी इन ऑल द यू नो जो भी वो आगे काम करेंगे उसमें, आई थिंक आई माई गुड विशेज विल बी विद देम, एंड जहाँ तक हो सके आई विल ऑल्सो बी देयर, प्रोवाइडेड इफ दे कॉल मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक मिस्टर अनिल, आई मीन पहले जब मैं आ रही थी तो मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, जाऊँ नहीं जाऊँ, बोरिंग सा होगा, बट आई एम ग्लैड दैट आई केम हियर एंड टू सी इतने छोटे छोटे बच्चे सब लोग जो अपने में इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आई मीन इट्स समथिंग वी कॉन्ट टेक फॉर ग्रांटेड, यू नो, एंड या इस चीज़ को वी शुड कीप इट अप और आगे फ्यूचर में भी ये सब करना चाहिए, एंड इसी चीज़ों से हौसला बढ़ता है। और रही बात वुमेन को, तो डेफिनेटली वायलेंस हैरेसमेंट बहुत है, एंड सो बिफोर वी स्टैंड फॉर वुमेन अगेंस्ट मैन, मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग है इस पर, आई फील हम वी ऑल वुमेन शुड स्टैंड फॉर ईच अदर एट फर्स्ट। वुमेन के अंदर ऑलरेडी जेलसी है बहुत सारा, गॉसिपर्स ऑल ओवर द वुमेन है ना, तो पहले आप एक आदमी को, आदमी की रिस्पेक्ट पाने के लिए आप खुद को तो रिस्पेक्ट करो। वी शुड स्टैंड एज सिस्टर्स, वी शुड स्टैंड एज फ्रेंड्स, पर ऑलरेडी हम वुमेन में इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई है, एंड दैट्स द एडवांटेज मैन टेक। आई विल नॉट ब्लेम ऑल द मैन, बट डेफिनेटली फ्यू ऑफ देम,
So for that, if all the women stand together, what I believe, and because women are the epitome of dignity, epitome of respect, love. So once all, we all of hum log sab agar ek matlab ek behno ki tarah treat karne lage dusron ko, respect dene lage, to I know there won't be a single man in this world who can ever dare to think of raping someone or harassing someone. So for that, I think first of all we women should unite together. Yeah, that's what I believe, that's what I feel. That's wonderful. Because at wherever you go, at home, ghar se sabse pehle fighting hoti hai, daughter in laws, mother in laws, tab ja ke husband kuch bolta hai, you know. Sabse pehle sabse pehle aap ek ladki agar kahin event mein enter karti hai na, you will find 100 men coming to her and praising her. ठीक है, कोई किसी का एजेंडा से होता है, कोई डेफिनेटली मतलब जेन्युइनली करते हैं, बट एक लड़की को यू नो टू गेट प्रेज फ्रॉम वुमेन इज़ वेरी डिफिकल्ट, इज़ वेरी डिफिकल्ट. इफ़ यू एंटर इन दैट 100, एक भी लड़की मुश्किल से आके आपको, अगर बहुत एज डिफरेंस है, बहुत आप कंटेम्प्रोरीज नहीं हो, तो आके तारीफ करेगी आपकी. सो वो सब नहीं होना चाहिए, यू नो. फर्स्ट ऑफ ऑल द वुमेन शुड अंडरस्टैंड कि शी इज़ अ वुमेन. आई शुड अप्रिशिएट, बोल रही है वो, तारीफ नहीं होती है. अलग रिएक्शन आता है, क्या समझती है. और एक बात क्या होता है, जब वुमेन तारीफ करते हैं ना, तो हम लोग सीरियसली लेते हैं. सपोज एक आदमी आके आपको बोले बहुत सुंदर लग रही हो, या फिर बहुत अच्छा आपने किया ना, तो ये फील कि पता नहीं क्यों बोल रहा है. पर एक लड़की आके जब बोलती है ना, तो ये फील ओ माय गॉड सच में बोल रही है यार, ये गलत बोल रही है यार. आदमी आके बोलता तो आदमी के लिए आप पहनते हो, तारीफ तो करे आपकी. अनिल जी क्या होता है, आदमी का ना हम लोग सोच सकते हैं कि पता नहीं भाई क्यों कर रहा है, फिर ऐसे कर दिया होगा. पर लड़की आके बोलती है तो नहीं, वो जेन्युइनली बोला होगा. ये तो लड़कियां बोलती नहीं है. हर किसी का कमेंट, हर किसी का स्टैंड होता है इस पर, हर किसी का स्टैंड होता है. मेरा मानना बस इतना है, बेसिकली हमें इस चीज को समझना है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन. व्हेन शी सेज यस दैट मींस यस, व्हेन शी सेज नो दैट मींस नो. एग्जैक्टली, दैट मींस नो. एक्चुअली गाने बने हुए ना, तू हाँ कर या ना कर, तो वो ना तो मानने वाला नहीं है. मतलब ये एंडोर्स कर रहा है वो, गाना गलत है. गाना गलत है, वो ना करे तो दैट मींस ना, तो वो तो मेरी किरण नहीं है. अगर तू हाँ कर तो ही मेरी किरण है. दैट्स एज सिंपल एज दैट. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. एग्जैक्ट. अगर शाहरुख साहब इसको अगर फील कर रहे हो, तो उन्होंने गाना गाया है. लेट्स नॉट डिबेट ऑन दैट. गाया है, लिखा तो किसी और, लिखा तो किसी और ने था. बट सी दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट जोन. बट वी अंडरस्टैंड इन टुडे सोसाइटी, एज एन एक्टर ही इज नॉट गेटिंग इनटू दैट जोन. वी हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन, इट्स एज सिंपल एज दैट. बट वो हां बोले तो ही हां, अदरवाइज ना है. एग्जैक्टली, वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द ह्यूमन, दैट्स व्हाट. एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी. And we should have a violent free nation. Yeah. There shouldn't be any violence, whether it's men, women, whoever peaceful. It is. We need Let's a peaceful not use that word only. Yes. We need there should be peace. Peace. We there need should be peace. Peace kisko nahi chahiye yaar. We want peace. We want peace. We want peace. Not in bits and pieces, but we want peace. We bring peace. We create peace. That's more important. Yeah, that's more important. अब ईमानदारी की बात ये है, ये प्रोग्राम हो गया, अब लोग ऐसे निकल जाते हैं. बट वी विल इंश्योर हियर कि हम यहाँ सफाई करके निकलेंगे, बिकॉज दैट इज द मिशन. वी शुड हैव अ क्लीन इंडिया फॉर श्योर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स टू कम. क्लीन इंडिया एंड अ सेफर इंडिया. डेफिनेटली. यस. थैंक यू सो मच. हर तरह से साफ, हर तरह से साफ, हर तरीके से साफ है. पुराने 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 अल्फाज थे, क्लीन हिंदुस्तान सोने की चिड़िया. लेट्स फॉलो इट एंड इंश्योर वी आर गेटिंग बैक टू दैट. मैं थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा हिंदी में बोल सकता हूँ. ओके. जब मैंने पहली बार वॉक माइल पहले ऑर्गेनाइज हुआ हो चुका है US में, और मतलब उधर इट्स वेरी कॉमन, बट इन इंडिया जब भी डोमेस्टिक वायलेंस की बात होती है, तभी लोग सेमिनार अटेंड करते हैं, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, या ऐसी कोई चीज़ अटेंड करते हैं. आई थॉट वाई नॉट कोई नए आइडिया के साथ डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में हम लोग अवेयरनेस रेज करें, एंड आई थॉट दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू इट, बिकॉज मैन इन हील्स इज़ समथिंग यू डोंट सी वेरी ऑफन. एंड मैन इन हील्स का जो पिक्चर देख के लोगों को शॉक भी होता है, और फिर जब मैन व्हेन दे प्रोपोगेट फाइटिंग अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, तभी
इट हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट लाइक इस चलो गोइंग टू सेमिनार्स या फिर कोई भी ऐसी कोई दूसरी जगह पे जाने के अलावा. एक आपने यहाँ हम यहाँ पे ना कुछ जो एसिड अटैक जो लेडीज थी इनको भी यहाँ पे देखे तो उनको साथ में लेके आके इस पूरे इवेंट को सक्सेसफुल बनाना कितना टास्क रहा आपके लिए इसके लिए तो पहले तो ये हर सेकंड कभी भी देखो क्लास में भी देखो आप तो ये इसी चीज़ पे काम करते रहते था. पांच मुझे मेल भेजता था, पांच बार ईमेल करता था, रात को 12 बजे फ़ोन आता था, ब्रो हैव यू डन दिस वर्क, हैव यू डन दिस वर्क. तो ये इतना पैशनेट था इस प्रोजेक्ट के पीछे कि ये प्रोजेक्ट इसलिए इतना ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हुआ है और हम तो सिर्फ उसको मदद करने के लिए थे. आदर्श ने भी बहुत उसको मदद किया है. तो ये एसिड अटैक सर्वाइवर्स लाने का हम लोग का ये आइडिया था कि उनके अगेंस्ट भी वायलेंस हुआ है, उनके अगेंस्ट एसिड फेंका गया, विच इज नॉट अ कॉमन थिंग इन मुंबई जैसे शहर में. आप देखो तो घरों में ये चीज़ नहीं होती, तो जब तक आप किसी को देखते नहीं हो तो आप उनका दर्द नहीं समझ पाते. इसलिए ज़रूरी था कि हम उनको एक एग्जांपल एक उदाहरण दे कि ये प्रॉब्लम है और इंडिया में बहुत कॉमन है पर लोग इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते. और इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये डेडिकेशन और इस टीम का होना बहुत ज़रूरी था और हम सभी ने बहुत मेहनत की है और इसीलिए प्रोजेक्ट आज इतना सक्सेसफुल. अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो सिद्धांत ने जो इतना सारा काम खुद से खुद किया है ये हो नहीं पाता इसके बिना. इतना तो मैं आपको अभी बोल देता हूँ, इसके बिना हो ही नहीं पाता. सिद्धांत आपने अपने डैडी से अपने अनिल जी से लाइक आपके पापा से इंस्पिरेशन लिया कि कुछ वर्कआउट किया कि ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ पापा क्या मैं कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ. हाँ डैड ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मुझे कभी भी कुछ भी एडवाइस चाहिए थी मैं डैड को रात को 1 बजे भी उठा के उनसे पूछ सकता था और मैं कुछ भी बोलता था बोलते थे हाँ बेटा मैं करवा दूँगा. एक ऐसा टाइम आया जब मैं उनको बोलना पड़ा कि डैड मैं कर लूँगा जस्ट वॉच, ठीक है, क्योंकि वो इतना मुझे हेल्प करते हैं, इतना हर चीज़ में ही लाइक्स टू बी देयर फॉर मी कि कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी उनसे मुझे लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने अभी जो अवार्ड शो किया था फॉर ऑनरिंग दोज विक्टिम्स ऑफ लाइफ लाइक सोल्जर्स पुलिसमैन फायरमैन ही डज ऑल दीज अवार्ड शोज एंड आई थॉट इवन आई कुड डू समथिंग, आई कुड डू लाइक अ स्मॉल थिंग मे बी लेटर थोड़ा बड़ा करेंगे इसको, बड़ा थॉट कि ये अच्छी शुरुआत होगी. लाइक आप एक कुछ मैसेज देना चाहेंगे व्यूवर्स के लिए जो इस मैसेज को कुछ एक मोटिवेशनल मैसेज हो ताकि हैरेसमेंट टू वुमेन वो ना हो. बीइंग अ यूथ हमारी यूथ ही आगे चल के सारी चीज़ों को लेके जाएंगे तो फिर आप क्या कहना चाहोगे. आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थिंक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. एक तो हरासमेंट सिर्फ घरों में सिर्फ छोटे छोटे घरों में नहीं होता है, सबके घरों में होता है. और अगर आपको कोई दिखे कि हरास हो रहा है तो ऐसा मत सोचो कि उनके घर की बात है, आपको जाके उनको रोकना है, उनको समझाना है और आपको ये पक्का करना है और ये करना है पक्का करना है कि ऐसा कभी वापस ना हो. अगर हम सब सिर्फ एक ही घरों में जाके भी ऐसा बोलें तो डोमेस्टिक वायलेंस इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में बंद हो जाएगा. एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ कि आजकल ये चालू होने लग गया है पर what I feel is that we have to respect women. आजकल आप देख रहे हो कि बहुत सारे आदमी सोचते हैं कि हम लड़कियाँ से बेहतर है, हम उनसे ये काम कर सकते वो काम वो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है. अगर लड़कियाँ चाहे तो वो काम कर सकती है लेकिन वो सोचती है कि अपने मैं कर सकती हूँ कि नहीं, लेकिन लड़का बोलता है कि मैं करूँगा और लड़की नहीं कर पाएगी. सो व्हाट आई फील इज़ वी हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन.